एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्रीसाइड के एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यूज की जर्नी पे चल पड़ते हैं। सबसे पहले evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाना है आपको, देन मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ आइकन दिखेंगे। स्कूल पे क्लिक कर देंगे तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी। हमें करना है 8th क्लास का हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के कॉलम पे क्लिक कर देंगे, देन हिस्ट्री क्लास 8 से रिलेटेड आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। देन हम लोग आगे जाएंगे तो एमसीक्यू पे क्लिक कर देंगे एंड भाई है रूलिंग द कंट्रीसाइड चैप्टर नंबर 3 एंड देन वी विल फाइनली कम टू एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3। सो बेसिकली हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, विच इज द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट। चंपारण मूवमेंट, अच्छा आपने नाम तो सुना ही होगा चंपारण का, जो बिहार के अंदर है, और गांधी जी ने वहां पे चंपारण मूवमेंट करा था। चंपारण के जो किसान थे वो लोग वहां के प्लांटर्स से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। बेसिकली वहां के प्लांटर जो प्लांटर थे वो ब्रिटिशर्स भी नहीं थे, वो बाहर से आ रहे थे बस प्रॉफिट कमाने के लिए और प्लांटिंग करवाते थे फार्मर्स को, फंसा लिया करते थे डेब्ट के सिस्टम में, उनको फंसा लिया करते थे, एडवांस पैसे दे दिया करते थे जिससे उनके चंगुल से कभी वो बच ही ना पाए, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा देते थे जिससे वो निकल ही ना पाए। तो बेसिकली इस वजह से वो बेचारे बहुत ज्यादा पिस रहे थे। तो गांधी जी, तो बेसिकली चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट दी ऑपरेसिव एटीट्यूड ऑफ दी प्लांटर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं होगा भाई, खामखा क्यों ब्रिटिशर्स को हम यहाँ पे बदनाम करें जबकि वो थे ही नहीं इसके पीछे। तो बेसिकली प्लांटर्स से प्लांटर जो थे वो इसके पीछे थे, प्लांटर्स डच थे, फ्रेंच थे, बाहर के लोग थे। तो बेसिकली वो लोग प्रॉफिट कमाने आया करते थे इंडिया में। तो पीजेंट भी नहीं होगा, ईस्ट इंडियन कंपनी भी नहीं होगा, एंड ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर है ऑपरेसिव एटीट्यूड ऑफ प्लांटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल इन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आएगा 1765 इज द राइट आंसर, क्योंकि 1765 12 अगस्त के दौरान पर आप देख सकते हैं दीवान ऑफ बंगाल बना दिया गया था, बंगाल का दीवान बना दिया। दीवान बहुत बड़ा टाइटल होता है, समझ लीजिए एज अ चीफ मिनिस्टर टाइप बना दिया गया था बंगाल का कंपनी को, कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स को। किसने? औरंगजेब ने बना दिया था, जो मुगल राजा थे, लास्ट राजा थे दाराशिको, और ये तो बेसिकली औरंगजेब के बेटे थे दाराशिको। तो औरंगजेब ने इनको एज अ दीवान घोषित कर दिया था 1765 में, ठीक है। सो 1765 12 अगस्त को एज अ दीवान ईस्ट इंडियन कंपनी को घोषित कर दिया गया था। फिर बात आ जाती है थर्ड की, थर्ड क्वेश्चन हमारे गांधी जी विजिटेड चंपारण, गांधी जी ने चंपारण विजिट करा था, उधर मूवमेंट करा था, ठीक है। सो किस वजह से वो वहां पे गए थे? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, टू सी द प्रोग्रेस ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, टू सी द मैनेजिंग सिस्टम ऑफ कंपनी, एंड नन ऑफ दी अबव। तो बेसिकली इसका आंसर होगा टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो। प्लाइट मतलब जो इंडिगो के जो फार्मर्स थे, जो इतना ज्यादा दुखी थे डेब्ट सिस्टम से, बेसिकली उनकी प्लाइट, उनकी दुखद एक दुखद विवरण देखने गए थे वो कहां पे? बिहार चंपारण में, ठीक है। सो गांधी जी का मेन मोटो था इन लोगों की जो इतना ज्यादा दुख झेल रहे हैं उसको देखने के लिए। बेसिकली प्रोग्रेस तो कुछ हो नहीं रहा था वहां पे, प्रोग्रेस देखने नहीं गए थे। मैनेजिंग सिस्टम, आपको सिस्टम भी मैनेजिंग सिस्टम नहीं था, और नन ऑफ द अबव नहीं होगा, आंसर विल बी प्लाइट देखने गए थे। देन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, हु डिवाइज द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कॉल्ड महलवारी। महलवारी सिस्टम हमने देखा होगा इस चैप्टर के अंदर, महलवारी, मुनरो सिस्टम, रयोत वाली सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम चल रहे थे। तो बेसिकली महलवारी सिस्टम, जो रेवेन्यू सिस्टम था, वो किसने डिवाइस करा था, यानी कि किसने पहचान दी थी उसे? तो बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ, हॉल्ट मैकेंजी, क्वीन विक्टोरिया एंड गांधी जी आर दी एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, तो बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ नहीं होगी, ऑब्वियसली क्वीन एलिजाबेथ तो अभी के वक्त पे यूनाइटेड किंगडम की रानी है। क्वीन विक्टोरिया भी नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त पे क्वीन विक्टोरिया ने भारत का शासन ले रखा था, ठीक है। सो क्वीन विक्टोरिया भी नहीं होगी और गांधी जी भी नहीं होंगे, ऑब्वियसली गांधी जी रायोट वाली महलवारी सिस्टम क्यों लगाएंगे, उस वक्त पे तो शायद वो कहीं पे पढ़ाई कर रहे होंगे, काफी ज्यादा छोटे होंगे। तो बेसिकली हॉल्ट मैकेंजी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हॉल्ट मैकेंजी जो थे वो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इंडिया के जो थे, वहां के वो हेड भी रह चुके हैं, साथ साथ महलवारी सिस्टम जो था वो उन्होंने डिवाइस करा था। महलवारी सिस्टम में ये था कि
डायरेक्ट पैसे लिए जाएंगे, एक पर्टिकुलर लैंड को मापा जाएगा, उसका मापने के बाद एक पर्टिकुलर इंसान को, पूरे गांव, गांव में जितने भी लोग रहते थे सारे गांव वालों को उस इंसान को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्रॉप का होता नहीं, टैक्स टाइप देना पड़ेगा, महसूल देना पड़ेगा, और ये जो महसूल होता था वो रिवाइज होता रहता था पीरियोडिकली, यानी कि चेंज होता रहता था। तो ये था महलवारी सिस्टम, ठीक है, जो डिवाइज हुआ था बाय हॉल्ट मैकेंजी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ विच क्रॉप एज अ कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स। तो ग्रोअर्स ऑफ वुड की बात चल रही है, यूरोप में वुड एक सिंथेटिक डाई था, एक सिंथेटिक डाई बना दिया गया था, ग्रोअर्स ऑफ वुड यानी कि जो वुड उगाया करते थे वो किसको एज अ कंपटीशन देख रहे थे, तो बेसिकली उनकी अर्निंग को काफी ज्यादा ठेस पहुंच रही थी क्योंकि उन्हीं के वोर्ड के जगह एक बहुत बड़े खिलाड़ी पहुंच चुका था, वो था इंडिगो। ये पूरा पूरा चैप्टर इंडिगो के ऊपर ही है, बेसिकली हाफ ऑफ द चैप्टर इज डिपेंडेंट ऑन इंडिगो। इंडिगो एक तरीके की डाई होती है, ब्लू कलर की डाई होती है, उसका कलर बहुत पक्का आता है, बहुत खूबसूरत कलर आता है, उससे आज भी शायद टी शर्ट बनाई जाती है, बेसिकली अभी ट्रेंड में नहीं है। तो वोर्ड भी एक तरीके का ब्लू डाई ही था, लेकिन उसका इतना ज्यादा अच्छा रंग नहीं था, फीका रंग था, तो इसीलिए वोड उगाने वाले या फिर वोड बनाने वाले लोगों को कंपटीशन जैसा दिखने लगा था इंडिगो, क्योंकि इंडिगो उनका मार्केट खा जा रहा था, ठीक है। तो आंसर विल बी इंडिगो, रबर, टी और कॉफी की तो वहां पर बात ही नहीं हो रही थी, प्लांटेशन इंडिगो कलर की हो रही थी, ये चैप्टर भी पूरा इंडिगो पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इंडिगो प्रोडक्शन केम डाउन इन बंगाल इन, तो बेसिकली इंडिगो का प्रोडक्शन एक तरीके से बिल्कुल ठप हो चुका था बंगाल में, बेसिकली बंगाल में इंडिगो की सबसे ज्यादा खेती हुआ करती थी, जो एक कलर है, ठीक है, एक डाई है जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, तो ये नीचे क्यों हो गया था, बिल्कुल कोलैप्स क्यों हो गया था, क्योंकि जो ब्लू इंडिगो यानी कि इंडिगो को उगाने वाले जो फार्मर होते थे उन्होंने रेबेलियन, विद्रोह कर दिया था इसके खिलाफ, क्योंकि बहुत ज्यादा ओप्रेसिव सिस्टम लगता था उनको, तो जब उनको कुछ बड़े लोगों का हाथ मिल गया, जैसे कि लोकल मर्चेंट हो गए, जमींदार हो गए, उन्होंने भी बोला कि ये खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल, और हम तुम्हारे साथ हैं, इसको बिल्कुल खत्म कर दो, कोलैप्स कर दो, तो सब जब एक तरीके से संगठन टाइप बन गए थे, अच्छा खासा पावर आ गया था सारे फार्मर्स के पास, तो जब भी ब्रिटिशर्स भेजते थे टैक्स वैक्स महसूल वसूल करने के लिए, तो लोग वहां उनको डंडे मार के भगा दिया करते थे और बोलते थे अब ये कोलैप्स होकर ही रहेगा, हम इसे रोक देंगे, ब्लू इंडिगो को रोक देंगे, जिसने हमारी पूरी जान खा के बैठे हुए हैं और पूरी हमारी जिंदगी तबाह कर दी है विद द लॉर्ड ऑफ डेब्ट ऑन देयर हेड। तो बेसिकली ये खत्म हो गया था 1859 के वक्त पे, ये खत्म हो चुका था 1809 आई थिंक, ये बहुत साल चला था इंडिगो का विवरण, बहुत साल चला था, एंड देन एट द एंड जब ब्लू इंडिगो फार्मर्स को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, तब 1859 के वक्त पे इंडिगो को कोलैप्स कर दिया गया था बंगाल में, और फिर गांधी जी ने भी काफी ज्यादा इसके ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, तो इट वॉज कोलैप्स्ड बाय क्वीन विक्टोरिया, उसपे ताला लग गया था भाई इंडिगो पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, हु हैड डेवलप्ड द मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम किसने डेवलप करा था, तो बेसिकली मुनरो सिस्टम आपको बता दूं, मुनरो सिस्टम था एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसके अंदर ये भी खेती के ऊपर था, कैसे करके महसूल रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बेसिकली इसमें ये था कि हाफ ऑफ द क्रॉप का प्राइस लेंगे, जितना समझ लीजिए मैं 4 बोरी क्रॉप उगाऊंगी, कोई भी खेत की क्रॉप उगाऊंगी, तो 2 बोरी ब्रिटिशर्स को चला जाएगा, और बेसिकली इसमें ये था कि 30 साल तक एक ही रेवेन्यू प्राइस रहेगा, 30 साल तक एक ही रेवेन्यू प्राइस रहेगा, सो दिस वाज मुनरो सिस्टम, एंड इसके ऑप्शन है कैप्टन अलेक्जेंडर, हॉल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली कैप्टन अलेक्जेंडर एक स्कॉटिश मिशनरी रह चुके हैं, ये एक बिजनेसमैन थे, बेसिकली इनका कोई भी विवरण है ही नहीं चैप्टर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमें ऑप्शन दे रखा है सही है कि नहीं, हमारे क्वेश्चन के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम का डिवाइस करा था, ठीक है, एंड नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, थॉमस मुनरो इज द राइट आंसर, मुनरो सिस्टम वाज नेम्ड आफ्टर थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो इज द राइट आंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ इंडिगो वॉज इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंडिया
बाय ब्रिटेन इन 1810। तो कितना प्रपोर्शन इंडिगो का ब्रिटेन में इंपोर्ट करा जाता था इंडिया से। इंडिया में तो ब्लू इंडिगो की शुरुआत हुई थी और फिर वो हर जगह प्रचलित हो गया था, यूरोप के बहुत सारे जगहों में प्रचलित हो गया था। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया हर चीज में आगे रहा है, कल्टीवेशन में तो हर चीज में आगे रहा है। तो कॉटन में भी एक टाइम पे इंडिया ने बहुत ज्यादा पैदावार करी है। और एक और क्रॉप था जो था इंडिगो। इस वक्त पे भाई इसमें से आपको जौन सा भी बड़ा दिख रहा है ना, उसी को क्लिक कर दो डायरेक्ट। तो 85% नहीं, 90% नहीं, 75% नो। तो बेसिकली 95% ऑफ द ब्लू इंडिगो वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। दैट्स व्हाई यूरोप के अंदर वोल्ड के कल्टीवेटर्स को कंपटीशन लगने लग गया था इंडिगो, क्योंकि इंडिगो हर कलर का मार्केट खा जा रहा था, इतना पक्का रंग होता था और इसे कपड़े लोगों को पहनना बहुत पसंद था। ठीक है, सो 95% विल बी द राइट आंसर। सो 9th क्वेश्चन है, एचटी कॉलब्रुक डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ टेनेंट फार्मर इन। सो एचटी कॉलब्रुक है थॉमस हेनरी थॉमस कॉलब्रुक। ये क्या कहते हैं, एक मैथमेटिशियन रह चुके हैं, साथ साथ ओरिएंटलिस्ट रह चुके हैं, संस्कृत भाषा में भी बहुत अच्छे ज्ञानी थे। ठीक है, तो बेसिकली ने यहां बताया कि उन्होंने टेनेंट यानी कि किसान, टेनेंट को किसान भी बोला जाता है, तो किसान जो ब्लू इंडिगो के जो किसान थे उनकी कैसे आवृत्ति इन्होंने बताई थी, कैसे करके उनकी एक प्लाइट बताई थी, दुखद बात क्या बताई थी। तो बेसिकली कब बताई थी, इनकी कंडीशन कौन से साल में बताई थी। तो द आंसर होगा 1810, 1806, 1805, 1800। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा 1806 विल बी द राइट आंसर। देन हमने भाई 9th वाला क्वेश्चन भी कर लिया है इसका। ठीक है, सो 1806 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1806 के वक्त पे एचडी कॉलब्रुक ने कंडीशन बताई थी सारे किसानों की। उन्होंने ये बताया था कि कैसे करके बेचारे डिप्रेसिव, बिल्कुल डिप्रेस से हो गए हैं, डेप्ट का सिस्टम उनके ऊपर से कभी नहीं हट पाएगा अगर ऐसे करके उनके ऊपर डेप्ट में डेप्ट चढ़ाया जा सके। वो थोड़े पढ़ लिख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि एक पे महल वाले सिस्टम, रायट सिस्टम, ये सब चलाते ही रहे हम लोग और एक नया सिस्टम लाते रहे और उनपे डेप्ट चढ़ाते रहे। तो बेसिकली एचडी कॉलब्रुक ने इसकी कड़ी निंदा करी थी कि उनके ऊपर इतना ज्यादा डेप्ट चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सो ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द टेनेंट्स इन 1806। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आफ्टर हार्वेस्ट वेयर द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू बिफोर द फैक्ट्री। तो बेसिकली हमें बोला गया है कि इंडिगो प्लांट जो था, इंडिगो एक इंडिगो प्लांट, एक इंडिगो जो पत्ते होते हैं उसके, तो हार्वेस्ट कटाई के बाद वो कहां, फैक्ट्री से पहले कहां जाया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है डाई, बैग्स, फार्म, मशीन। मशीन के पास नहीं जाया जाता था उस वक्त, तो मशीन इतने थे ही नहीं, फार्म में भी नहीं, फार्म से तो आ रहा है वो एक तरीके से कटाई होकर ही आ रहा है, और डाई। तो बेसिकली डाई भी आंसर नहीं होगा, बेसिकली वार्ट्स आंसर होगा। वो इसलिए क्योंकि इंडिगो वार्ट्स, वार्ट्स उसे कहा जाता है जहां पे इंडिगो के पत्तों को काटा जाता है और उसके बाद बड़े बड़े कंटेनरों में उसको घुमाया जाता है, घुमाने के बाद उसकी एक्सट्रैक्शन होता है, उस पत्तों में से जो कलर निकलता है और वो जो पक्का रंग जो होता है, बिल्कुल फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको वार्ट्स कहा जाता है। तो कंटेनर में जो वार्ट्स होता है वो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट होता है, वो सबसे बढ़िया इंडिगो का कलर होता है। तो बेसिकली फैक्ट्री से पहले भी वो बड़े बड़े कंटेनर्स में जाता है जिनको वार्ट्स कहा जाता है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ इंडिगो वाज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ। तो बेसिकली एक टाइम पे इंडिगो बहुत ज्यादा प्रचलित था, लेकिन इंडिगो को भी कहते हैं ना एक कोई अच्छा आता ही रहता है, तो इंडिगो को चुनौती देने के लिए सिंथेटिक डाइज आ गए थे। जैसे कॉटन के कपड़े आजकल लोग कम पहनते हैं और नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक कलर के ये सारे कपड़े ज्यादा पहनते हैं जो मैनमेड है, सस्ते मिल जाते हैं। तो आजकल के वक्त पे कॉटन एकदम बढ़िया वाला मलमल का कपड़ा भी कोई नहीं पहनता, वैसे ही इंडिगो जो एक बहुत पक्का रंग था, स्याह रंग था और डायरेक्ट आ जाता था नेचर से, वो आज के वक्त पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको टक्कर जो देने आ गया था वो था सिंथेटिक डाइस। आज के वक्त पे हर चीज सिंथेटिक आ गई है, समझ लीजिए कार्बन कॉपी है लेकिन बहुत खराब है, सारे आपको सुख दुख वो दे देगी। मतलब समझ लीजिए ये ऑरेंज आइसक्रीम है, ये बढ़िया लग रही है लेकिन उसी की कार्बन कॉपी मैं घर में भी बना के दिखा दूंगी, लेकिन क्या वो बढ़िया लगेगी खाने में, मतलब
काम चलाओ चीज समझ लीजिए। सो इंडिगो जो था वो काफी ज्यादा महंगा था और सिंथेटिक डाय सस्ता था, तो बेसिकली सिंथेटिक डाय सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ इंडिगो के प्लांटेशन में। और वोड भी एक तरीके का डाय था, लेकिन इंडिगो ने वोड को भी चुनौती दे रही थी, वोड को भी टक्कर दे रही थी। ब्लू कलर तो उस वक्त पे सिर्फ प्लांट से ही आता था, देन सिंथेटिक डाय बन गए एंड उसके बाद लोग सिंथेटिक डाय यूज करने लग गए। ठीक है, देन हम यू रिजल्ट्स करेंगे तो हमारा 11 out of 11 करेक्ट आंसर आ जाते हैं। सो हमने बिल्कुल करेक्ट हमने आंसर्स कर लिए हैं सारे के सारे। अगर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, वो कैसे बनेंगे भाई, प्रैक्टिस करके बन जाएंगे। मुझे पता है आप प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन जस्ट बता रही हूँ। सो बेसिकली अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में सारी चीजें अवेलेबल है, और साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन पेपर ई बुक सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। और फिर से मिलने वाले हैं हम आपसे, फिर से मिलने वाले हैं एक उम्दा से चैप्टर के साथ और एक MCQ के साथ या फिर। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।